नमस्ते। जब हम दूरदर्शन पर या इस तरह के टीवी चैनलों पर समाचारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चारों ओर केवल नकारात्मकता ही नकारात्मकता है, लेकिन दूरदर्शन पर ही एक ऐसा कार्यक्रम आता है जिसमें केवल सकारात्मक समाचार दिखाए जाते हैं। मित्रों, हमारे साथ आज हैं हितांश जैन। ये व्यावसायिक रूप से एंकर है और इनका एक कार्यक्रम दूरदर्शन पर आता है गुजराती में, जिसमें केवल सकारात्मक कहानियां होती है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने सकारात्मक समाचार वे कहाँ से खोज निकालते हैं, क्योंकि नकारात्मक ढूंढना तो बहुत ही सरल, आप किसी में भी नकारात्मकता ढूंढ सकते हैं, लेकिन जहाँ बात सकारात्मकता की हो तो ये ढूंढे नहीं मिलती। तो मेरा सवाल, आज का एक सवाल हितांश जैन से है कि वे जी ऐसी सकारात्मक कहानियां कहाँ से और कैसे खोज लेते हैं? संजय जी, वैसे काफी अच्छा सवाल है। मैंने एक बार एक सुना था कि अगर आप अखबार को दोनों साइड से निचोड़ोगे तो उसमें से खून टपकेगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी नेगेटिविटी, बलात्कार, खून, हत्या, ऐसी सारी बहुत सारी कहानियां होती है, सत्य घटनाएं भी होती है, लेकिन उसके विरुद्ध हकारात्मकता आदमी का, इंसान का आत्मा होता है। अगर इंसान को मूल रूप से देखा जाए तो उसके अंदर वो प्रेम से भरपूर होता है, लेकिन आसपास के आवरण की वजह से उसके अंदर नकारात्मकता आ जाती है। तो बस हम यही हकारात्मकता लोगों के अंदर जागृत हो उसका प्रयास, हम छोटा सा प्रयास करते हैं। अब आपने जैसे पूछा कि कैसे आती है हकारात्मकता, तो उसका जो एक सबसे मेन रीजन है वो है ऑब्जर्वेशन। हम लोगों से मिलते हैं, हमारे लोग कई तरह पर होते हैं, जो हमें समाज के अंदर ऐसे कई लोग होते हैं जो लोगों को इंस्पायर करे, जैसे कोई दिव्यांग है जो कुछ अच्छा कार्य कर सकता है, जो लोगों के अंदर उम्मीद जगा सके, ऐसा कुछ कार्य हो रहा हो। तो ऐसी ही बातें हम हर रोज घूमते हैं और बिना प्लान किए हुए घूमते हैं, और समाज में जो कुछ भी अच्छा हो रहा होता है, लोगों से पूछते आपकी आसपास कुछ अच्छा हो रहा हो, ऐसी कुछ बातें बताई तो लोग हमें बताते कि भैया ये यहाँ पर अच्छा हो रहा है। तो इसी तरह हम हकारात्मक स्टोरी ढूंढते हैं और उसमें एक अलग नजरिया भी देते हैं, ताकि लोगों के अंदर सेवा का भाव, प्रेरणा का दीप जल सके, और इस तरह से हम लोगों के अंदर हकारात्मक का भाव बन सके। एक छोटा सा, छोटी सी बात है, अभिगम, वो बहुत छोटी चीज है, लेकिन एक हकारात्मक अभिगम जिसका जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बस यही बात को लेकर हम लोगों की जिंदगी में हो सके उतना परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन शुरुआत हमसे ही करते हैं। तो आज हमारे एक सवाल में हमारे एक सवाल का जवाब दे रहे थे हितांश जैन।